तो दोस्तों पोको X3 जिसका काफ़ी लंबे टाइम से हमें इंतज़ार था फाइनली इंडिया में लॉन्च हो चुका है। इसकी प्राइसिंग स्पेसिफिकेशन सब कुछ बाहर कंफर्म हो चुका है। तो दोस्तों आज जो है हम पोको X3 का जो है रिव्यू करेंगे और आपको सारी इसकी स्पेसिफिकेशन बताएंगे और इसकी प्राइसिंग भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आपको ये किस हिसाब से देखने को मिलता है, मतलब कितना डाउनग्रेड है और कितना अपग्रेड है। दोस्तों पोको की तरफ से एक नया स्मार्टफोन पोको X3 जो कि पोको X2 का सक्सेसर माना जा रहा है, तो ये फाइनली इंडिया में लॉन्च किया गया है। अगर हम इसकी स्पेक्स की बात करें तो पहले करते हैं इसकी बिल्ड और डिज़ाइन की बात, तो ये आपको ये काफ़ी अलग और न्यू डिज़ाइन के साथ देखने को मिलता है। इस बार रीब्रांड आपको डिज़ाइन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस बार डाउनग्रेड ये किया गया है कि इसके बैक पैनल पे आपको प्लास्टिक बैग देखने को मिलेगा, लेकिन इसका डिज़ाइन देखा जाए तो वाकई में काफ़ी खूबसूरत है। ये आपको दो कलर ऑप्शन में देखने को मिलेगा जिसमें आपको कोबाल्ट ब्लू और शेडो ग्रे कलर में देखने को मिल जाता है। और बाकी इसकी डिस्प्ले की बात करें तो 6.67 इंचज का आपको फुल HD प्लस IPS पैनल देखने को मिलेगा जिसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और साथ ही 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि LCD डिस्प्ले के मामले में ये कहीं ना कहीं ज़बरदस्त एक डिस्प्ले है। और वहीं ये रिफ्रेश रेट आपके काम के हिसाब से जो है चेंज भी होता रहेगा, जैसे कि आप वीडियो वगैरह प्लेबैक करोगे तो ये 60 हर्ट्ज पे आ जाएगा, गेमिंग के टाइम पे ये बढ़ भी जाएगा और इसी तरह से ये एडजस्ट होता रहेगा ऑटोमेटिकली, जिससे कि आपकी बैटरी भी इसमें सेव होगी। वहीं साथ ही ये HDR10 को भी ये डिस्प्ले सपोर्ट करती है और ये एक सिंगल पंच होल डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों प्रोटेक्शन के लिए इसके डिस्प्ले पर आपको गोरिल्ला ग्लास का जो है प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, जो कि गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन इसमें आपको देखने को मिलेगी। और इसी के साथ ही अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें जिसमें आपको अपग्रेड इस बार देखने को मिला है, इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 732G का प्रोसेसर देखने को मिलेगा जिसमें 618 का GPU लगा हुआ है, यानी कि ये प्रोसेसर जो है हल्का सा 730G का जो है अपग्रेड है, हालांकि उतना फ़र्क आपको नहीं महसूस होगा। बाकी इसमें आपको जो है नेविक का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा जो कि इंडियन नेविगेशन सिस्टम है। इसके अलावा इसमें आपको लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलेगी डुअल वाले, और इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ फेस अनलॉक का फीचर भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कैमरा मॉड्यूल की। क्वाड कैमरा सेटअप जो आपको इसके रियर साइड पे देखने को मिलेगा, 64 मेगापिक्सल का सोनी का IMX682 वाला सेंसर आपको देखने को मिलेगा, हालांकि 686 से ज़्यादा मतलब आपको फर्क इसमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा फर्क आपको इसमें देखने को मिलेगा, इसकी हल्की सी क्वालिटी में देखने को मिलेगा। और इसी के साथ ही आपको इसके स्लो मोशन में भी हल्का सा फर्क देखने को मिल जाता है, यानी कि ये जो कैमरा है वो हल्का सा पोको X2 से डाउनग्रेड ही है, क्योंकि पोको X2 में आपको 686 वाला लेटेस्ट फ्लैगशिप सेंसर देखने को मिला था सोनी का। सेकंड कैमरा आपको 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलेगा, 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। वहीं सेल्फी कैमरे की इसमें बात करें तो इसमें आपको जो है 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है, जो कि एक सिंगल पंच होल के रूप में आपको इसके डिस्प्ले में ही सेंटर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा 3 वेरिएंट्स में ये आपको स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, 664 वाला वेरिएंट और 6128 वाला वेरिएंट और वहीं 8128 वाला वेरिएंट, और वहीं 256GB का माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। ये बात कर लेते हैं इसकी बैटरी और फास्ट चार्जिंग की। 6000mAh की बैटरी इस बार इंडिया के लिए इसमें जो है इंक्लूड की गई है। ओप्पो का कहना है इसमें कि आपको ये 2 दिन की लॉन्ग लास्टिंग बैटरी बैकअप जो है देने वाली है। इसके साथ जो है 33W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही स्मार्टफोन में आपको IR ब्लास्टर देखने को मिल जाएगा, 3.5mm ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाएगा, एंड्रॉयड 10 के साथ आपको MIUI 11 पोको लॉन्चर वर्जन 2 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स आपको इसमें आपको देखने को मिलेगा। साथ ही ये जो स्मार्टफोन है वो IP53 वाटर एंड डस्ट रेजिडेंट सर्टिफिकेशन के साथ भी ये स्मार्टफोन आता है, यानी कि ये स्मार्टफोन जो है स्प्लैश प्रूफ है, बारिश का हल्का फुल्का पानी से ये सेफ रहेगा और वहीं हल्के फुल्के डस्ट से भी ये सेफ रहेगा, इतनी आसानी से इसमें स्क्रैच इसके डिस्प्ले पर नहीं आएंगे। और वहीं सभी तरह के सेंसर आपको इसके स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा और इसका जो वेट है वो 215 ग्राम का आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये सब स्पेसिफिकेशन एंड फीचर आपको पोको X3 में इस बार देखने को मिलते हैं। हल्की जगह पर आपको जो इसमें डाउनग्रेड देखने को मिलेगा और कुछ जगह पर आपको इसमें अपग्रेड भी देखने को मिलेगा। हालांकि अगर हम इसके प्राइसिंग और इसकी अवेलेबिलिटी की बात कर लेते हैं, अगर हम 664 वाले जो स्टोरेज की इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये स्मार्टफोन आपको इसकी प्राइसिंग रखी गई है वो 16,999 रुपये इंडिया में रखी गई है, जो कि लगभग पोको X2 के हिसाब से ही रखी गई है, उसकी बराबर की मतलब आसपास की प्राइसिंग है। और वहीं 6128 की स्टोरेज वेरिएंट की जो प्राइसिंग इंडिया में रखी गई है वो 18,499 यानी कि 18,500 आप मान के चल सकते हैं, तो ये रखी गई है। वहीं अगर हम
अगले वेरिएंट की जो कि 8/128 GB की स्टोरेज की वेरिएंट की बात करें तो 19,999 यानी कि 20,000 के तकरीबन आपको इसकी प्राइसिंग इंडिया में देखने को फाइनली मिलती है। तो दोस्तों अगर हम इसकी अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये स्मार्टफोन आपको सेल पर जाता हुआ नज़र आ जाएगा फ्लिपकार्ट 29 सितंबर को दोपहर 12 बजे से। तो फ्लिपकार्ट के ऊपर आप 12 बजे से पहले जो है बैठ जाइएगा और इसे अपने सेल में जो है ऑर्डर कर सकते हैं आप। दोस्तों प्राइसिंग के मामले में ये स्मार्टफोन फिलहाल जस्टिफाई हो जाता है और पोको X2 के अलावा आपको ये ऑप्शन भी देखने को मिलता है कि आप इसे भी बाय कर सकते हैं अगर आप गेमिंग या कैमरा लवर हैं। हालांकि अगर आप बिल्ड क्वालिटी वाला फ़ोन लेना चाहते हैं अच्छा फ़ोन तो पोको X2 भी एक ऑप्शन आपके सामने निकल के आ जाता है जिसमें आपको जो है सोनी का लेटेस्ट सेंसर भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये था पोको X3 स्मार्टफोन जो कि आज फाइनली इंडिया में लॉन्च हो चुका है। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि किस तरह का आपको ये स्मार्टफोन लगता है, कि आप इसे बाय करोगे या नहीं करोगे, क्या आपके राय है, क्या आपके कमेंट्स हैं, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसे अपडेट्स के लिए। फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।